खाने को आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर। खीर बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो दूध ले लिया, आधा कप मैंने चावल लिया और चावल को मैंने अच्छी तरह धो लिया। फिर चावल को छानने वाले में डालकर 5 मिनट छोड़ दिया। जब चावल सूख गया तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। 1 पाव मैंने खोया ले लिया, कप चीनी, छोटी इलायची लिया और उसके बीज निकाल लिया, और पिस्ता मैंने लिया और उसको बारीक चॉप कर लिया, और पिस्ता बादाम मैंने इसे पानी में उबाल के उसको अच्छी तरह काट लिया, और किशमिश ले रही हूँ। 1.5 किलो दूध डाल रही हूँ। अब इसको मैं उस वक्त तक पकने दूंगी जब तक कि इसमें वो एक उबाल ना आ जाए। देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब मैं आंच हल्की कर रही हूँ। अब चावल को मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और चम्मच चलाती रहूंगी, और साथ में मैं इसमें छोटी इलायची डाल दूंगी और थोड़ा सा पिस्ता बादाम। चमचा चलाती रहिएगा वरना जल जाएगा और खीर बेकार हो जाएगी। और मैं अब इसको इतना पकाऊंगी कि ये गाढ़ा हो जाए। अब देखें, अब ये गाढ़ा हो गया है और चावल भी देखिए अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं इसमें खोया ऐड कर दूंगी। और इनको इतना पकाऊंगी कि खोया खीर में मिक्स हो जाए। देखिए खोया बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें मैं चीनी डाल दूंगी और चीनी डाल के इसे अच्छी तरह चलाऊंगी और तकरीबन मैं 5 मिनट तक इसे पकाऊंगी। चीनी मिक्स हो गया। अब देखिए बबल आने लगे, इसका मतलब है खीर बन के तैयार है। चूल्हा बंद करती हूँ और डिशार्ज करती हूँ। चीनी का वर्क लगा दिया मैंने। अब इसमें मैं पिस्ता बादाम ऐड कर रही हूँ। और साथ में ये थोड़ा सा किशमिश ऐड कर रही हूँ। किशमिश मिक्स बनके तैयार है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।